मॉर्निंग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस आज का दिन करते स्टार्ट आप सभी लोगों के साथ में। सो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सो गाइस अभी मेरे को नाश्ता करना है तो मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद करता हूँ ढेर सारी बातें। सो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। यार ये गाड़ी थी जो ऑरेंज वाली वो चली गई है और थोड़ा सा काम रह गया, वो भी कम्प्लीट करना है। लेके जा रहे हैं नीचे के लिए और देखे आते हैं धीरे से, थोड़े कागज ले लूँ। कागज है जो भैया को पकड़ा दूँ जो फाइनेंस हो जाए आज। सो गाइस इनका भैया आए हैं फाइनेंस करने वाले। सो गाइस इनको ये कागज पकड़ा देता हूँ, ई रिक्शा साफ करा देता हूँ और जो बार बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट जम गई है, काफ़ी दिनों से यहाँ खड़ा है। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सामान आ गया है तो ये बार सामान अंदर पहुँचाना है। जो गाइस ये ई रिक्शे का सामान है लाए हैं, वो सामान जो आया वो मैं उठा नहीं पा रहा अकेले, एक भैया वो भी नहीं उठा पा रहे तो अंकल जी को बुला लिया है। तो अंकल जी आ रहे हैं उनसे ही थोड़ा सारा लगवा के अंदर लेकर जाऊँगा। तो गाइस बने कट्टा खोल लेते हैं, इसमें पता नहीं क्या है और खोलने का प्रयास करते हैं। बोलो उठ भी नहीं रहा है ये भी खोलो क्या। तो गाइस मैं खोल लेता हूँ, ये पता नहीं भैया क्या कर रहे हैं। ये इसका सामान है काफ़ी ज़्यादा, तभी नहीं उठ रहा था। कमानियाँ आ चुकी है यहाँ पे और प्रचार वाले को सही कर दी है और देखते भैया भी आ गए। कंप्लीट करते हैं, सीसे पहले लगाया भी गया और एक भाई को अंदर लगे, एक भाई मेरे साथ लगे, ईद से सीसे टाइट करवा रहा हूँ मैं। और क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल गाड़ी खरीद मैंने सोचा किसने इधर कर दी, तो मैं पूछने लगा भैया से। कोई नहीं भाई, अभी कोई आने वाला है ग्राहक, तो ग्राहक अगर आता है तो मैं दिखा दूंगा ये सब। और इससे पहले कस लेता हूँ कि जो लोग भाई लोग शाम के टाइम जो कह रहे हैं घर जाएंगे हम, तो हमने चलो कोई बात नहीं, जो वाले शीशे कस दो कोई दिक्कत नहीं, चले जाना। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। दिखाई गाड़ी तैयार करवा रहे ब्लू वाली, क्योंकि जवाली भी गाइस जो आए थे कस्टमर तो वो ले गए हैं, परचेज कर लिए, तो इसके टोकन वोकन सब जमा हो गया तो वो आ रहे हैं लेने के लिए गाइस, तो इसीलिए कंप्लीट करवा रहा हूँ फटाफट। सो गाइस आप लोगों को दिखाया था मैंने वीडियो में, तो गाइस देख लीजिए ये वाला ई रिक्शा है, यही टोकन वोकन सब जमा हो गया है, उनने परचेस कर लिया, अभी थोड़ी देर में चला जाएगा ई रिक्शा। और गाइस बने रहिए, मैं थोड़ी बहुत बातें आते कर रहे हैं, काफ़ी देर से थक गए हैं दौड़ दौड़ के इधर उधर। भैया गए छोड़ने के लिए भैया से, भैया चुपचाप बैठे हैं। तो गाइस पापा आ गए हैं, देखवा लेते क्या क्या भैया कर रहे हैं। जवाला कंप्लीट करा दिया, इसमें शीशे से लग गए हैं। और गाइस जवाला भी शीशे लग गए उस ब्लू वाली गाड़ी में, इसमें नहीं रहेगा, इसमें रह गए हैं, तो इसमें अभी लगवाऊंगा थोड़ी देर में शीशा। और गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और गाइस देखिए इनके जो दाने हो गए थे मुँह पे, तो वही फड़वाए हैं और देख सकते हैं रेड हो गए हैं, नोज रेड हो गई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं स्टेपनी लगाने की, प्रयास ना करो देखो इसे लगाता है। हाँ भैया प्रयास कर रहे हैं, हम नहीं प्रयास कर रहे हैं। रुको छोड़ो छोड़ो एक सेकंड, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुक जा। हाँ ये वाले भी खोल दे इसके साथ से, आप लोग एक सेकंड रुको हम बताने वाले। सुबह बने रही है मैंने ब्लॉग में। नगर पालिका तरफ से आया है लेटर, फिर उसे फोटो कॉपी करके फेस के पास फिर चार गाड़ी में ये चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि ये पास है हमारा ई रिक्शे का नगर पालिका तरफ से। तो गाइस इसे फोटो कॉपी करते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। कॉपी कर रहा हूँ बने रही है हमारे ब्लॉग में, चलते हैं नीचे के लिए। फोटो कॉपी कर लिया है, ये फोटो कॉपी है जो ओरिजिनल वो मैंने रख दिया अंदर ही, क्योंकि वो ले जा नहीं सकते थे, तो जो वाला पेपर जो है वो मैं चिपका दूंगा शीशे पे। ये पास है हमारा ई रिक्शे का। तो गाइस नगर पालिका तरफ से इशू, तीन गाड़ियों का माल आया है ये गाइस, सिर्फ तीन गाड़ियों को माल है इतना सारा। और इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर से टायर आए हैं तीन गाड़ी। अभी स्कूटी बाहर निकाल रहा हूँ क्योंकि अभी तेल लाना है, सरसों का तेल लेकर आना है क्योंकि खाने के लिए ख़त्म हो गया गाइस। सो गाइस तेल लेने के लिए जा रहा हूँ, तेल भरवाने के लिए गाइस यहाँ से तेल ले लेता हूँ, दीदी साथ आया हूँ। तेल मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं तेल करवा के यहाँ से फटाफट चलता हूँ घर के लिए, ढेर सारा काम पड़ा वो भी देखना है और शाम होने वाली है गाइस। तो गाइस चलते हैं फटाफट घर के लिए। यहाँ पे रास्ते में आ चुके हैं और तेल लेकर, और अभी झाड़ू लेनी है तो दीदी झाड़ू लेने गई हैं यहाँ से दुकान से, ढेर सारी झाड़ू लगी हैं, तो यहाँ से झाड़ू लेकर फिर चलते हैं घर के लिए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है रोड पर, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ निकल रही हैं। तो गाइस और जो डिब्बा लेकर आया था वो चला गया, वो दीदी लेकर गई हैं ऊपर, और जो सामान था वो सारा चला गया है। और गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और शाम का टाइम है, देखते हैं कोई ग्राहक
आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं, तो मेरे को बाहर बैठना पड़ेगा काउंटर पे। सो गाइस बैठता हूँ काउंटर पे, गाइस बैठा है तो बात चल रही है उनसे। सो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कौन ग्राहक बैठा है। गाइस फाइनेंस के लिए चाहिए पर आरडीओ का नहीं ब्लॉग एंड करने का समय आ गया। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।